लेस अब करते हैं थोड़ी सी वॉल्स की डेकोरेशन जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो मैं अपना पिटारा लेकर आऊं जो मैंने बंद करके संदूक में रखा हुआ है। पिटारे को लेकर आती हूँ फटाक से निकाल के, एंड देन स्टार्ट करते हैं वॉल डेकोरेशन। चलिए जी, पिटारा मैं ले आई हूँ। फिलहाल मैं अभी एक ही बैग लेकर आई हूँ, दूसरा बैग अभी, क्योंकि मेरी एजी मैडम सो रही है। मैंने ज़रा सी भी खड़ा करी अलमीरा में, उसने उठ जाना है। तो फर्स्ट तो मैं इनको सेट करती हूँ। ये वही है जो मैंने हौजरानी मार्केट से बाई किया था। मैं सोच रही हूँ उसको उस वॉल पर, वो जो एकदम गेट के फ्रंट में वॉल आती है, वहाँ पर लगाने के लिए। तो मैं वहाँ पर ही लगाऊंगी, क्योंकि वो एक थीम टाइप्स ऑफ क्रिएट करेगा, काइंड ऑफ अ विलेज। तो देखते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि वो वाइट एंड सिल्वर, सॉरी वाइट एंड गोल्डन कलर में है, वो कॉन्ट्रास्ट जाएगा उसके साथ, नहीं जाएगा। तो फर्स्ट मैं लगा कर देखती हूँ, एंड देन देखते हैं कि वो जाएगा तो मैं लगाऊंगी, नहीं जाएगा तो हम वहाँ पे और कुछ लगा देंगे, है ना जी। सजेशन देना था मुझे और कंफ्यूज कर देना था, तो मैं देखती हूँ मुझे इनको कहाँ लगाना है। ये ना यहाँ पे कील लगी हुई है, मैं सोच रही हूँ यहीं पे लगा देती हूँ, एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे ना डोर के यहाँ पे। हैंगिंग हैंगिंग वे में यार, तनु जा रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी करती अपना काम, दूसरा भी जो मुझे करना है छेती छेती निपटाते, फिर इस कमरे को लग तो बहुत प्यारा रहा है सच में। यार ड्रिल मशीन का तो इंतजाम हो नहीं पाएगा, इंची टेप मैं ले आई हूँ, मेजर करते हैं और देखते हैं थोड़ा जुगाड़ करने की कोशिश कैसे करते हैं और किस कितनी पेंटिंग्स हैं। चलिए, सो वैसे जा तो दोनों उसी कलर के साथ ही रहे, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैच कर रहे हैं, एग्जैक्टली वॉल कलर के साथ जा रहा है ना, तो ये मुझे लगता है बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। आई एम सुपर एक्साइटेड। बचपन में बहुत कील ठोकने का एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज माई फादर वॉज अ कारपेंटर, बहुत कीलें ठोकी है हमने हमारे घर में। तो ऑफकोर्स इट्स लुकिंग वेरी नाइस, फाइनल लुक मैं एंड ऑफ द वीडियो में दूंगी, अभी रिवील नहीं करूँगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वॉल डेकोरेट करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे तो इन वॉल में तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे पास वो पड़े हैं फ्रेम्स पड़े हैं, मुझे वो फ्रेम्स लगाने हैं। तो इन वॉल्स में तो ये जो ये इधर वाली वॉल है और उधर वाली वॉल है, उनमें तो मैं फ्रेम्स लगाने वाली हूँ। फ्रेम्स लाकर रखे हुए हैं, बहुत टाइम से रखे हुए हैं, तो आज
श्री गणेश उनका भी कर ही देते हैं। जल्दी जल्दी लाती हूँ और जल्दी जल्दी, क्योंकि एंजू सो रही है, उसके उठने का टाइम होने ही वाला है, वो उठ जाएगी कभी भी, और मैं जल्दी जल्दी लाकर लगाती हूँ। अभी अभी याद आया कि मैंने एंजू के कुछ फोटोग्राफ्स निकलवाए थे जब लास्ट टू लास्ट टाइम मैं दिल्ली गई थी, मुझे फ्रेम कराने थे, बहुत क्यूट फोटोग्राफ्स हैं, तो अब मैं इनको करने जा रही हूँ फ्रेम इनमें, एंड जल्दी से फ्रेम करके जल्दी से डेकोर करते हैं। वो तो मैंने वॉल पे लगा दिया लगाते लगाते मेरे दिमाग में आया, वह यार फोटोज तो पड़ी हुई है, अपनी फोटोज लगानी चाहिए। कोई बात नहीं, जब मैं और फोटोज निकलवाऊंगी एंजू की तो वो मैं वहां पे लगवा दूंगी, अभी मैं ये वाली ही फोटोज लगवा देती हूँ, है ना भाई। याद आ गया कि मेरे पास ये फोटोज रखी हुई है, नहीं तो मैंने दूसरे फ्रेम या खाली में ही लगा देनी थी, फिर मेरे को डांट पड़ती। एनीवेज अब लगाते हैं, जल्दी से क्विकली स्टार्ट करते हैं लगाना, उसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रही है एंजू, मतलब मेबी। फ्रेंड्स लग चुके हैं एंड इट इज ऑलमोस्ट 2 hours 2.5 hours मैं ये काम करने में लगी हुई हूँ। ऑब्वियसली वीडियो इतनी लंबी नहीं बनेगी, नाउ टेकिंग ब्रेक, हैविंग माय मील एंड देन दोबारा से करेंगे स्टार्ट। तो खाना खा के मिलते हैं कुछ ही देर में। So, मेरे पास दो और फोटोज पड़ी हैं, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इसको लगा कर देखा तो वो इस वाले वॉल पे बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही थी, तो आई एम थिंकिंग कि मैं अब उसको लगाऊं जल्दी जल्दी से और ख़त्म करते हैं। थोड़े से चेंजेस किए हैं मैंने दोबारा से, बिकॉज अब ज़्यादा और ज़्यादा बेटर लग रहा है और अच्छा लग रहा है, तो मैं जल्दी से करके फिर आपको फाइनल लुक देती हूँ इस लुक। डेकोरेशन हो चुकी है कंप्लीट, अब मैं करती हूँ जल्दी जल्दी क्लीनिंग एंड देन देते हैं आपको फाइनल लुक जो मैंने डेकोरेट किया है। इट्स लुकिंग अमेजिंग ऑनेस्टली। बाकी आप अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा प्लीज, तो जल्दी जल्दी मैं ये मेस क्लीन करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। पे मैंने लगाए हैं एंजली के कुछ फोटोग्राफ्स, बहुत ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स हैं, क्यूट क्यूट फोटोग्राफ, और जो मेरा चैनल का फोटो है वो वन ऑफ माय फेवरेट फोटोग्राफ,
तो आप पूरा देखेंगे तो इस वॉल में एनजे के ही फोटोग्राफ हैं। मैं और खूब सारे एनजे के अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स निकाल के लगाऊंगी फॉर श्योर। चलो फाइनली अब मेरे घर की वॉल्स खाली खाली नहीं है, मैंने कम्प्लीटली डेकोरेट कर दिया है एंड आई होप मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव बिग थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बाय।